हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं बात सिक्स विषय हिंदी पाठ सोलह प्राणायाम सोलह पाठ का नाम है स्वार्थी दल। इस पाठ का प्रस्तुत करवा चुकी हूँ और आगे भी आप लोग को प्रस्तुत करवा चुकी हूँ पाठ से आगे। आज मैं एक और पाठ आप लोग को क्वेश्चन से लिखवा रही हूँ, जिसे लिखिए। एक बार मैं बोर्ड पर लिखती हूँ, इसे एक बार पढ़ें, ध्यान से सुनिए।
भारत वर्ष में कौन कौन सी ऋतु है, आपको सबसे अच्छी ऋतु कौन सी लगती है, तब सही उत्तर देना, अपना विचार दीजिए। भारत वर्ष में बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु, हेमंत ऋतु, यानी छह ऋतु है। भारत वर्ष में छह ऋतु होती है परंपरा, और एक लाइन बे लाइन आती रहती है, जैसे है उसी हिसाब से आती रहती है। इन ऋतुओं में बसंत का अपना महत्व है, बसंत का अपना महत्व है, इसे ऋतुओं का राजा कहा। सबसे अच्छा ऋतु सभी छह ऋतुओं में सबसे अच्छा ऋतु बसंत ऋतु होता है, जिसे बसंत का राजा कहा जाता है। यह ऋतु बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इस समय ना अधिक जाड़ा रहता है ना ही अधिक गर्मी रहता है। बसंत ऋतु जब कब जाड़ा खत्म होता है उसको बसंत ऋतु आते हैं, उस समय ना अधिक जाड़ा रहता है ना गर्मी, इसलिए यह ऋतु बहुत ही अच्छी लगती है। पेड़ पौधे फल फूलों से लग जाते हैं, आम की मंजरों पर घोड़े गुजार करते हैं, तथा कोयल की कुक वातावरण से मिश्री घोल देता है, इसलिए ऋतु मुझे अच्छा लगता है। अब कोयल जो है जब आम के दिन आ जाता है, कोयल आम की डालियों बैठकर इतनी अच्छी बोलती है कि लगे उसमें मुँह में इतना मिठास रहता है, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए बसंत ऋतु जो है सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। बसंत ऋतु के बाद गर्मी का मौसम आता है, गर्मी के मौसम के बाद वर्षा ऋतु, शरद ऋतु अभी का है, अभी शरद ऋतु का मौसम है, शरद ऋतु चल रहा है, यह मौसम शरद ऋतु का है। इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, याद कीजिएगा, आपको मन लगाकर पढ़िए। आज का वीडियो इतने, ओके, धन्यवाद।